कहते हैं अगर तुम पूरे इंडिया घूम लोगे तो तुम्हारे 95% वर्ल्ड टूर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही है हमारा देश भारत, द इनक्रेडिबल इंडिया। और इस इनक्रेडिबल इंडिया में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी हिल स्टेशन है जिसको द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। तिब्बतियन वर्ड्स दोर्जी जिसका मतलब है थंडरबोल्ट एंड लिंग जिसका मतलब है लैंड, और ये दोनों वर्ड ऐड करके इस जगह का नाम रखा गया दार्जिलिंग, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, और जो कि मेरे शहर से यही कुछ 620 किलोमीटर दूरी में है, विच इज इन नॉर्थ बंगाल इंडिया। मैंने पहले काफी सारे हिल स्टेशन घूमा लाइक गैंगटॉक, बेलिंग, लाचेंग, छांगू, भूटान, लेकिन दार्जिलिंग कभी नहीं गए थे। तो एक क्वेश्चन मेरे दिल में हमेशा था कि इतने सारे हिल स्टेशन के बीच दार्जिलिंग को ही क्यों द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए सडनली मेरे इस बिजी शेड्यूल में से 3 दिन निकल लिया दार्जिलिंग घूमने के लिए। तो चलो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ही इज अनुपम, आई कॉल हिम पॉपिदा, एंड ही इज जगत ज्योति, आई कॉल हिम पापाइदा। हम बंगाली लोग बड़े भैया को दादा बोलते हैं और नाम के पीछे इन शॉर्ट दा ऐड कर देते हैं। So what's up beautiful people, this is Shubhro from Kolkata and welcome back to my channel, welcome back to another vlog. तो आप सब अच्छे हैं। ट्रेन हावड़ा से काफ़ी दूर तक चला है एनजीपी की तरफ, और मेरे साथ मेरे भैया है एंड और एक भैया जो है वो अंदर बैठा है, सो रहा है। तो ये दोनों हैं मेरे इस दार्जिलिंग सफर का साथी। सो ट्रेन के अंदर इस तरह का कुछ माहौल है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। तो जैसे कि हम लोगों ने सडनली प्लान बनाए थे, तो 10 दिन पहले जब कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए ट्रेन सर्च कर रहा था तो ऑलमोस्ट हर एक ट्रेन बुक्ड था, लाइक कांचन कन्या एक्सप्रेस, तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस, सब कुछ बुक्ड था। सो फाइनली हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस में टिकट बुक किए। तो जर्नी वॉज गुड, हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचे रात 2 बजे एंड उधर जाते ही न्यू जलपाईगुड़ी ने हम लोगों को बारिश के साथ स्वागत किया, और हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटा वेट करके बारिश थोड़ा रुकने के बाद 4 बजे एक टैक्सी रिजर्व करके दार्जिलिंग के लिए निकल पड़े। अब जाते जाते तुम लोगों को इधर का सिस्टम एंड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो अगर तुम एक सोलो ट्रेवलर हो या फ्रेंड्स लोगों के साथ प्लान कर रहे हो दार्जिलिंग घूमने के लिए, तो शायद ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। अब जलपाईगुड़ी स्टेशन से दार्जिलिंग जाने के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है तुम शेयर में एक टाटा सुमो ले लो जिसका फेयर पड़ेगा 350 रुपीज पर हेड। दूसरा ऑप्शन है टैक्सी रिजर्व करके तुम दार्जिलिंग जा सकते हो जिसके लिए तुम्हें 2500 से 3000 रुपीस तक देना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है तुम एनजीपी से ऑटो पकड़ के 10 मिनट ट्रैवल करके तेंजिंग नोरगे बस स्टैंड पहुंचो और वहां से बस पकड़ के स्ट्रेट दार्जिलिंग। तो अब देखो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है एंड पैसा सफिशियंट है तो तुम पैसा देकर टाइम खरीद लो, और अगर तुम्हारे पास पैसा है एंड टाइम भी बहुत है तो तुम फालतू टाइम के पीछे मनी वेस्ट मत करो। तो अगर हम उधर टाटा सुमो या बस के लिए रुकते तो काफी देर हो जाता दार्जिलिंग पहुंचने में, हमारे पास टाइम कम था तो हम लोगों ने टैक्सी रिजर्व कर लिया जो कि 2000 रुपए में हम लोगों को एनजीपी से दार्जिलिंग पहुंचा दिया। अब आते हैं एनजीपी यानी न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाने का रूट एंड टाइम के बारे में। एनजीपी से दार्जिलिंग तुम 2 रास्ते से जा सकते हो, एक भाया कार्सियंग एंड दूसरा भाया मिरिक। हम लोग दार्जिलिंग जाने के समय भाया कार्सियंग होके गए थे एंड आने के समय भाया मिरिक होके आए। सो राइट नाउ वी आर इन कार्सियंग और इधर से हम लोग जाने वाले हैं दार्जिलिंग। तो विक्रम भैया हम लोगों को ले जा रहे हैं कार्सियंग से दार्जिलिंग। बेसिकली वी वर थिंकिंग टू कम बाय सेटल ओनली, बट दिस गाय हैज टोल्ड अस दैट वी विल गो थ्रू सम लाइक फिजिकल एंड सम लाइक नेचुरल ब्यूटी, सो थैंक्स टू दिस गाय। सो न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर रास्ता है और जाने में 3.5 से 4 घंटा तक लग जाता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 4 घंटा जर्नी करने के बाद पहुंचे मेल में। उधर एक पॉपुलर लैंडमार्क है जिसका नाम है भानु भवन,
और हम लोग उस भानु भवन के पास एक होटल में रुके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सुब्रजित नायक फॉर हिज एंड्यूर्स कोऑपरेशन अलोंग विद दैट ओनली फॉर हिम वी आर हियर राइट नाउ बिकॉज वी हैव टू रजिस्टर हियर because I'm from hotel background and he is from also business background so it's a very good point that he has given us some time and he has given us some opportunity to go with us. हम लोग होटल पहुंचे करीब सुबह 8 बजे तो होटल में जाके थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फ्रेश होकर ऑलमोस्ट 11 बजे लंच करके निकल पड़े हम लोग जू देखने के लिए और उसके बाद हम लोग का प्लान था रोप वे चढ़ने का। सो हम लोग अभी है महाकाल मार्केट जो मेल मतलब हम लोग जिधर रुके हैं मेल रोड के आसपास रुके हैं तो इधर एक मार्केट है महाकाल मार्केट तो उधर हम लोग अभी है। इधर मेनली शॉल एंड जो जैकेट्स वगैरह मिलता है तो यहाँ का जो नेचर है एकदम शांत है एंड कल काफ़ी बारिश हुआ था तो आज थोड़ा क्लाउडी है एंड फॉगी है फॉगी वेदर है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं जू की तरफ। सुना है इधर बहुत रेड पांडा ब्लैक पांडा बहुत सारे पांडा मिलते हैं तो हम लोग जा रहे हैं जू की तरफ और तुम लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ पे जू में क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है। सो दिल खुश हो जाता है जब इंडियन फ्लैग दिखने को मिल जाता है एंड द फ्लैग इज ओवर देयर एंड जय हिंद जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम। चलो आगे बढ़ते हैं चलो तो हमारे होटल से ऑलमोस्ट 30 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में था जू तो हम लोग जू तक पैदल ही गए क्योंकि हम लोगों को लोकल एरिया भी देखना था। तो जिसके लिए इस जूलॉजिकल पार्क में आए हैं रेड पांडा देखने के लिए और वो अभी फिलहाल उधर सोने में व्यस्त है। हम लोग आए हैं इधर देखने और वो सो रहे हैं यही कुछ हो रहा है इधर। और जू देखने के बाद हम लोग जब निकले तब ऑलमोस्ट 3 बज चुका था और लोकल लोगों से पूछने के बाद पता चला रोपवे का टिकट काउंटर 3 बजे तक बंद हो जाता है और जू से रोपवे तक जाने में मिनिमम 20 मिनट्स भी लग जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन हम लोग रोपवे नहीं चढ़ पाए। ऑलमोस्ट 30 मिनट पैदल चल के आए हैं इस जूलॉजिकल पार्क में क्या देखने रेड पांडा देखने का और वो भी दिखा लेकिन सो रहा था रेड पांडा प्रॉपरली नहीं दिखा। ये जो दोनों देख रहे हो ये और ये चल नहीं पा रहा है ये जो उतर चढ़ाव है इसके ऊपर चल नहीं पा रहा है सो मोटिवेट करके करके ले जाना पड़ रहा है। ठीक साइड में बहुत सारी दुकान था कॉस्मेटिक्स का दुकान खाने का दुकान स्ट्रीट फूड का दुकान और यहाँ पे स्ट्रीट फूड में मैक्सिमम था मोमो और हम लोग जाके मोमो ट्राई किया जो काफी अच्छा था टेस्ट में। तो उसके बाद हम लोग साइट सीइंग करते करते वापस लौट आए हमारे होटल में और आते वक्त उधर एक मार्केट था जिसका नाम था मेल मार्केट तो हम लोग उधर गए थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने देखने क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है। उधर मेनली जैकेट्स टोपी शॉल और भी इस तरह का आइटम मिलता है।
तो ऐसे ही खत्म हुआ हमारा दार्जिलिंग टूर का पहला दिन। और नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे सेकेंड डे यानी लास्ट डे में हम लोग कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे। सो अगर तुम इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना।